मैं चाय बेचता था, मैं अखबार बांटता था, मैं अपने खेत में काम करता था। आपको मेरी गरीबी का अगर मजाक उड़ाना है तो मजाक उड़ा लीजिए। अजय महोदय, अजय महोदय, मुझे उस पर गर्व है। अध्यक्ष महोदय, अगर ये चाय बेचते थे तो हम माननीय सदस्य सब लोग चाय पीने चलेंगे। आपको पता इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप गरीब के संपर्क में नहीं है। अभी आपको फिर खराब लगेगा, आप गुंडों, अपराधियों और माफियाओं के संपर्क में देगा, इसलिए आपको परेशान। अगर गरीब के संपर्क में होते और गरीब की चिंता करते तो शायद आप कुछ और, आपके नंबर बढ़ जाते, लेकिन आपको गरीबों की चिंता थी ही नहीं ना है। ऐसे हम पे एक भी मुकदमा हो तो बता दें। अरे आप नहीं चाहते थे केशव प्रसाद दोबारा उपमंत्री बने, फिर उपमंत्री बन करके बैठा हूँ। मैं तो कह रहा था कि मैं सदस्य बन करके आऊंगा कि नहीं आऊंगा, आपको इसकी चिंता नहीं कि मैं वहां बैठ जाऊँ। लेकिन आप चाहे जितना दूध में आप डालते हो नींबू, लेकिन हम दूध में चीनी डालते हैं, हम मीठा करते हैं, आप दूध को फाड़ने का काम करते हैं। हम सब एकजुट होकर के सरकार को चलाए, दोबारा सरकार बन करके आई है, और दोबारा सरकार बन करके आई है तो मैं यही कह रहा था माननीय अध्यक्ष जी कि आप अपनी तरफ बचा के रखना, इधर की चिंता मत करिए, इधर तो हम लोग रहेंगे क्योंकि वहां से बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में। अभी आप कई चीजें गरीबों की बात कर रहे थे, अब गरीब आदमी कोई जाति और धर्म और समुदाय से रिलेटेड नहीं होता। मैं भी गांव का रहने वाला हूं, जिस गांव में अब नगर पंचायत बन गई है, जहां मैं रहता तो मेरा भी घर जहां था, कभी हम लोग कल्पना नहीं करते थे कोई हमारे घर में कोई शौचालय बन जाएगा, कभी कल्पना नहीं करते थे कि हमारे घर में भी बिजली लग जाएगी। मैं स्वयं संगठन का काम करता था, कभी सोचा नहीं था कि एक गैस का कनेक्शन मेरे घर में आ जाएगा। मैं दूसरों की बात नहीं करता, पूरा प्रदेश इसका साक्षी। लेकिन आज जब ये आंकड़ा देखता हूं कि 1,41,00,000 गरीबों के घर में बिजली का कनेक्शन फ्री में पहुंचाने का काम सौभाग्य योजना के माध्यम से प्रदेश की सरकार ने कर दिया। आप उस गरीब का दर्द अपने सरकार के समय दूर नहीं किए, आपको गरीब की, पिछड़ों की, वंचितों की, किसी की चिंता नहीं, हमारी सरकार को चिंता। आप प्रधानमंत्री आवास योजना में देख रहा था, आपके कार्यकाल में तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में सरकार बनने के बाद तत्काल योजना प्रारंभ कर दी थी, लेकिन आप तो 1,00,000 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। आप सोचते थे अगर प्रधानमंत्री आवास बन जाएगा तो साइकिल पंचर हो जाएगी। मैं उस समय संसद में पहुंच गया था माननीय अध्यक्ष, और संसद में पहुंच करके मैं उस समय संयोग से मेरी पार्टी ने मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया था 2016 में। मैं कहता था कि आप केंद्र सरकार की जो योजना है उस योजना को उत्तर प्रदेश के गरीबों के लिए आने दो, लेकिन हर काम में बैरियर लगा करके खड़ा करने का काम अगर किसी सरकार ने सबसे अधिक किया था तो मेरा भी जो अनुभव है 2012 से लेकर के 2022 तक का, तो श्री अखिलेश जी के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की सरकार ने केंद्र सरकार की योजना यूपी में ना आने पाए, इसके लिए कदम कदम पर बाधा डालने का काम किया। और उसके कारण मैंने कहा आने देते तो प्रदेश का भला होता, प्रदेश के लोगों का भला होता, अगर नहीं आने दोगे तो इससे ज्यादा आपका नुकसान होगा। और जनता ने वही किया। उस समय जो आपके हालात हुए, आप 300 सीट जीतने का दावा कर रहे थे 2017 में, लेकिन आपकी नीतियां अगर सही होती, आपके कार्य अगर सही होते तो निश्चित तौर से आप फिर जीत करके आते, आप फिर यहां बैठते। लेकिन आपको जनता ने एक बार नहीं दूसरी बार नकार दिया, और दूसरी बार विधानसभा में नकारा, और दो बार लोकसभा में नकारा। कभी आप कांग्रेस के साथ गए तब भी आपको जनता ने नहीं स्वीकार किया, कभी आप बुआ जी से मिल गए तब भी आपको जनता ने स्वीकार नहीं किया। मेरा ये कहने का, मैं गरीबों के लिए जो हमारी सरकार ने काम किया, मैं अभी उज्ज्वला योजना की आप प्रशंसा कर रहे थे, अरे इस बात की प्रशंसा, ये कोई साधारण बात नहीं है कि 1,67,00,000 गरीब माताओं बहनों के घर में गैस का कनेक्शन पहुंच गया, और जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का निःशुल्क कनेक्शन देने का काम किया गया, वो उनको गैस का कनेक्शन मिलने के बाद वो गैस भी भरा रहे। आपको पता इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप गरीब के संपर्क में नहीं है, अभी आपको फिर खराब लगेगा, आप गुंडों, अपराधियों और माफियाओं के संपर्क में देगा, इसलिए आपको परेशान। अगर गरीब के संपर्क में होते और गरीब की चिंता करते तो शायद आप कुछ और, आपके नंबर बढ़ जाते, लेकिन आपको गरीबों की चिंता थी ही नहीं ना है। ऐसे हम पे एक भी मुकदमा हो तो बता दें। राष्ट्रवाद की लड़ाई है, अगर आपको यह लगता है कि राष्ट्रवाद की लड़ाई लड़ने में, हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने में
गौरक्षा की लड़ाई लड़ना गलत है, वो गलती में जीवन भर करता रहूं। और मेरे ऊपर एक भी मुकदमा कोई व्यक्तिगत आरोप पर नहीं लग सकता, इसलिए आपकी घबराहट में जानता हूं। मेरे ऊपर जो मुकदमे हैं वो मुकदमे आप विधिवत जरा समीक्षा करवा लीजिएगा, और उस समीक्षा की कौन से आपके कार्यकाल में क्यों लिखवाए गए। मैं खूब समीक्षा कर चुका, मैं तो जानता, मैं तो आंदोलनकारी रहा हूं, मैं तो राजनीति में रहा ही नहीं, इसलिए मैं आंदोलनकारी रहा हूं। आंदोलन करने वालों के खिलाफ मुकदमे लिखे जाते हैं। मेरे को मेरे पिताजी कोई मुख्यमंत्री नहीं थे, मेरे पिताजी तो एक गरीब किसान थे। एक बात है महोदय, ठीक है मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा अध्यक्ष महोदय कि ये क्या काम और करते थे। आप पेशेंस रखिए थोड़ा सा। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाय बेचता था, मैं अखबार बांटता था, मैं अपने खेत में काम करता था। आपको मेरी गरीबी का अगर मजाक उड़ाना है तो मजाक उड़ा लीजिए। अध्यक्ष महोदय, अगर ये चाय बेचते थे तो हम माननीय सदस्य सब लोग चाय पीने चलेंगे। मैं सामने बैठे हुए मेरे मित्रों की परेशानी में समझ सकता हूँ, क्योंकि इनको सच सुनने का साहस ही नहीं है। सच सुनने का साहस नहीं, अगर सच सुनने का साहस हो तो धैर्य पूर्वक सुन लीजिए, मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा। और आप फिर सुन क्यों नहीं पा रहे, आप सुन लो, आप सच सुनने का साहस रखो। माननीय अध्यक्ष जी, अरे बैठिए ना, मैं अरे सुनिए तो आप सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए माननीय, आप सुन, मैंने वो कहना राजनीतिक दलों के हिसाब से समय होगा। आप मैं आपका लिस्ट भेजूंगा, अगर आपको कम मिला होगा तो ज्यादा दे दूंगा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।